ग्वालियर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे बाद पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पैसों के लालच में शराब के अड्डे पर मिलने वाले अपने ही हमप्याले और उसके दोस्त का बेरहमी से कत्ल किया था। आरोपी ने अकेले ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से मृतक का मोबाइल, आधार कार्ड और दूसरे सामान बरामद कर लिए हैं। बदमाश की जानकारी मिल सके इसलिए पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए की घोषणा की थी, जो अब आरोपी को पकड़ने वाली टीम को दिया जाएगा। दरअसल 15 जून की सुबह कंपू थाना क्षेत्र के शीतला रोड किनारे दो अज्ञात व्यक्तियों के लहू लुहान शव बरामद हुए थे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने प्रारंभिक जांच पड़ताल में पाया कि दोनों ही व्यक्तियों के सिर पर पत्थर से कुचलकर उनकी हत्या की गई है। मृतकों में एक का पैर नकली था, लेकिन दोनों ही मृतकों के पास से पहचान का कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और कंपू थाना पुलिस संयुक्त रूप से इस अंधे दोहरे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। सबसे पहले मुखबिरों का एक बड़ा नेटवर्क दोनों मृतकों की पहचान के लिए लगाया गया, जिसमें जल्द ही पुलिस को सफलता मिली और मृतकों की पहचान गोला का मंदिर क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग कौशल राजावत उर्फ कक्का और गदाईपुरा क्षेत्र में रहने वाले कैलाश के रूप में हुई। दोनों ही आए दिन शराब कलारी पर दिख जाते थे। दोनों मृतकों की पहचान के बाद अब आरोपी की पहचान करना बड़ी चुनौती थी, जिसका पता लगाने के लिए एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। क्राइम ब्रांच और कंपू थाना पुलिस की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि हजीरा क्षेत्र का एक युवक इस हत्याकांड का आरोपी हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने संबंधित बदमाश को ट्रैप करने के लिए कई सारे सीसीटीवी खंगाले और मोबाइल लोकेशन और दूसरे सबूतों के आधार पर संदिग्ध आरोपी विकास तोमर को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद हत्याकांड की जो कहानी सामने आई उसके अनुसार आरोपी को पता चला कि दिव्यांग कौशल राजावत ने हाल ही में भिंड जिले के गांव की जमीन बेची है। आरोपी विकास तोमर अपराधी किस्म का है और आए दिन मृतक कौशल के साथ शराब पिया करता था। जमीन के पैसों के लिए उसके मन में लालच आ गया और वह जमीन के रुपए हड़पने का प्लान बनाने लगा। पता लगा कि तीन व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है मुख्य आरोपी विकास तोमर है। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है, इसके अंगेंस्ट में अड़ीबाजी के और आर्म्स एक्ट के केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये इनके संपर्क में रहता था और साथ में ही इनके साथ में शराब पीते थे ये लोग। इसके मन में ये लालच आया कि मृतक ने रिसेंटली कुछ जमीन बेची है, जमीन के पैसे इसके पास होंगे, तो इसको किसी तरीके से ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ शराब पिला के पैसे से छुड़ा लिए जाएंगे। तो बाद में जब इनको लेके मोटरसाइकिल से गए तो उन्हें विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही चूँकि विकलांग था, इस पर जब हमला हुआ उसी की केन से हमला हुआ, सिर में चोट आई तो ये अनकॉन्शियस हो गया। दूसरे साथी ने भागने का प्रयास किया तो उस पर उसने पत्थर पटक दिया। तो इस प्रकार से दोनों व्यक्तियों की हत्या करने के बाद ये व्यक्ति फरार हो गया था। जो जानकारी मिली है अगले दिन सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो ये व्यक्ति भी मौके पर दोबारा से पहुँचा था। तो टेक्निकली इस केस को कनेक्ट किया गया है और ये पूरी घटना में जो मृतक का मोबाइल फोन था, उसके कपड़े थे और अन्य जो एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट कर लिया गया है। आरोपी विकास तोमर ने अपने प्लान के तहत दिव्यांग कौशल राजावत को लक्ष्मणपुरा शराब कलारी पर बुलाया। वहीं पर कौशल का दोस्त कैलाश भी मौजूद था। ऐसे में आरोपी ने मृतकों को पहले तो जमकर शराब पिलाई और फिर दाल टिक्कर का कार्यक्रम बनाया। दोनों को अपनी बाइक पर बैठा कर शीतला माता मंदिर रोड की तरफ निकल गया, लेकिन जैसे ही सुनसान इलाके में रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे, वैसे ही कौशल ने आगे जाने से मना कर दिया और बाइक रुकते ही आरोपी विकास तोमर से झगड़ने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि कौशल के हाथ की लोहे की छड़ को आरोपी ने छुड़ा लिया और उसी से हमला बोल दिया। कौशल के बेहोश होते ही उसका दोस्त कैलाश उसे बचाने आया तो आरोपी ने धक्का देकर उसे गिरा दिया और उसके सिर पर पत्थर पटक दिया, तो वहीं उसी पत्थर को कौशल के सिर पर पटक कर उसकी भी हत्या कर दी। लेकिन जब मृतक कौशल राजावत का बैग चेक किया तो उसमें आरोपी को कोई पैसे नहीं मिले। इसके बाद मृतक की पहचान छुपाने के इरादे से आरोपी उसका लोअर, आधार कार्ड लेकर अपने घर रेशम मिल हजीरा जाकर सो गया। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी विकास तोमर दूसरे दिन भी घटना स्थल पर पहुंचा था, लेकिन कंपू थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस की तत्परता से चैलेंजिंग लग रहे इस हत्याकांड को क्रैक कर लिया गया। तो वहीं इस मामले को सॉल्व करने वाली पुलिस टीम को अब इनाम के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।